रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोविड 19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान मुमरा कौसा में जो गरीब तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल कास्ट के लोग हैं, इन्हें बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आ रही है। अस्पताल का मामला हो, पेशेंट्स का मामला हो, और खास करके खाने पीने की चीजों का मामला हो, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के आज शहर के तीन लोग, तीन नगर सेवक है, MIM के शाह आलम आजमी, राजू अंसारी और जफर नोमानी, अपने अपने तौर पर थाने जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर के पास गए थे। तो इनमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, तीनों से हम अलग अलग बात करेंगे, तीनों का अलग अलग मामला है, तीनों क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, तमाम कलेक्टर से जो बातें हुई है और क्या डिमांड की है इन्होंने। तो सबसे पहले बात करेंगे हम MIM के शाह आलम आजमी से, क्या कह रहे हैं शाह आलम आजमी। शाह आलम भाई, क्या मुद्दे थे कलेक्टर के पास आप लोग गए थे, क्या लेटर दिया आपने और क्या डिमांड की है उनसे? रफीक भाई, जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर मुमरा के अंदर जो मुसीबत आई है, पूरे हिंदुस्तान में आई है, आज जो हमारे मुमरा शहर में कुछ 36 या 37 जो कोरोना के पेशेंट है, उसकी वजह से तमाम हॉस्पिटल बंद कर दिए गए। तो जो पुराने लोग यहाँ पे आज हमारे ख्याल से डायलिसिस के जो कई पेशेंट है और बाकी दूसरी बीमारी के जो पेशेंट है, वो बहुत परेशान है। तो हमने कलेक्टर साहब से बात किया कि सर, आप किसी भी हालत में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जो बंद है, उनको आप चालू कराइए, और डॉक्टरों से ये कहा जाए कि तुम अपनी OPD में आइए, जाके जो रोज के पेशेंट है डायलिसिस वाले या हार्ट के पेशेंट है, उनको कम से कम राहत मिली। क्योंकि अगर कोई पेशेंट ऐसा आता तो हर कोई भी पेशेंट आता और तो डॉक्टर कोई है नहीं, हॉस्पिटल चालू नहीं, सीधा वो लोग शिवाजी भेज देते। उसकी वजह से परेशानी ये आ रही कि आगे पुलिस स्टेशन जो नाकाबंदी लगी है, रिक्शे में या कोई गाड़ी में पेशेंट को जाने नहीं दिया जाता, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी। तो इसको लेकर मैंने कलेक्टर साहब से मुलाकात किया, लेटर दिया, ये बात किया हॉस्पिटल के बारे में। इसके अलावा सरकार की तरफ से गरीबों को जो है राशन मिलना चाहिए, जैसे अभी जिनका बायोमेट्रिक नहीं है उनसे मिलेगा 8 रुपए से गेहूं और 12 रुपए से चावल, एक मई से मिलेगा, तो ये एक मई से उनको मिलेगा। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, तो ऐसे गरीबों को सरकार राशन पहुंचाने के लिए क्या उपाय योजना कर रही है, किस तरह की क्या व्यवस्था कर रही है, इस पर कुछ बात हुई आपकी? जिस तरीके से रफीक भाई, आपको मालूम है कि ये पहले ही जो किया गया था कि मतलब सरकार 3 महीने का राशन देगी, जो राशन कार्ड वाले हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको फ्री में दिया जाएगा या आधार कार्ड देख के उनको दिया जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जो सरकार ने अपनी वो सूचना डिक्लेयर की है कि हम अनाज दे रहे हैं, 1 तारीख से चालू करें। तो मेरी ये बात हुई थी राशन डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने बोला कि हम 1 तारीख से देंगे, और जिसका राशन कार्ड बायोमेट्रिक नहीं हुआ, मैंने बोला कि मेरी ये मांग थी कि उनको भी राशन दिया जाए। ये बेचारे कहाँ जाएंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो कोई पेपर नहीं, तो सरकार ने ये कहा है कि हम उनको राशन दिया, तो ये ज़रूरत है कि इनको राशन दिया जाए। मेरी ऐसी मांग थी राशन के दुकान के लोगों से भी। आपकी तरफ से और क्या मुद्दे थे कलेक्टर साहब, राजेश नार्वेकर से आपने बात की उस पर? मैंने राजेश नार्वेकर साहब से जो कलेक्टर साहब से बात की, 2-3 मुद्दे लेके, एक तो हॉस्पिटल को लेके, दूसरा राशन को लेके, जो राशन की वजह से बहुत तकलीफ चल रही है, और जो टाइमिंग चल रहा था कि 12 से 4 का टाइम, तो ये टाइम कोई टाइम नहीं होता राशन लेने के लिए, कोई इतनी धूप में नहीं निकल पाएगा, तो उसके बारे में जो बाजार वगैरह लग रही, इतनी दुकान, इतनी जमीन है खाली, जहाँ वहाँ पे लगाया जाए, ये तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए कर रहे हैं, वो टाइमिंग चेंज किया जाएगा। जिस तरीके से अफवाह चल रही थी कि मतलब 12 से 4 चलेगी दुकान, तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह वो फाइनल नहीं हुआ, और जो टाइमिंग सुबह का है वही टाइम पे रखा जाएगा। अच्छा, ये एक बात है शाह आलम भाई, के प्रशासन के अलग अलग विभाग है, थाने मनपा है, कलेक्टर विभाग है, पुलिस विभाग है, इनमें कहीं भी कोई तालमेल नहीं है, तो तालमेल नहीं है, और दूसरी तरफ आप जनप्रतिनिधि जो है इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे, ऐसे कई लोगों ने हमसे शिकायत की है, तो ये तालमेल पर जो है आप लोगों को मुखर होना चाहिए, तो आप लोग क्यों खामोश हैं? नहीं, रफीक भाई देखिए, हर पार्टी के जितने भी नगर सेवक है हमारे शहर के, तो जो आमदार और मंत्री साहब, वो खुद इस वक्त क्वारंटाइन हुए हैं, तो हमारी ये मांग थी कि मतलब अगर हम लोग कहाँ खोल सकते, इस वक्त कोई वो प्रशासन का कोई अधिकारी है नहीं, कोई यहाँ से वहाँ जा नहीं पा रहा है कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, इसकी वजह से थोड़ी सी मसला आ रहा है। अगर थोड़ा भी कंट्रोल में आएगा तो सबसे पहले हमको ये करना है कि मतलब डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को, उनको एक तरीके मीटिंग किया जाए, उनको एक दूसरे में कनेक्ट करके, तभी हम लोग शहर के लोगों तक राशन पहुंचा सकते हैं, गरीबों तक राशन पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजू अंसारी साहब, क्या बताएंगे कलेक्टर राजेश नार्वेकर से, जो मुलाकात आप लोगों ने की है, किन मुद्दों पर की है, और उन्होंने क्या आपकी मांगों पर जवाब दिया? जैसे कि आज हम लोग कलेक्टर साहब को सुबह सुबह हमने कॉल किया था, और हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, तो उन्होंने हमें बोला था ठीक है, आप 3 से 5 के बीच में जाकर मिल सकते हैं,
हम लोग वहाँ पर गए और जाकर के मैंने कलेक्टर साहब से पर्सनली बात की। जैसे कि मुमरा कौसम में आप लोग देख रहे हैं कि आज कोविड 19 के तकरीबन 36-37 पेशेंट आ चुके हैं। उसके बाद में रमजान अनकरीब है, तो रमजान की वजह से भी हमारे को कुछ हमारे टाइमिंग्स वगैरह को सही करना पड़ेगा, सही वक्त कर लोगों को अफ्तारी और सहरी का वक्त के लिए खोलना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई। उसके बाद में हमारे राशनिंग डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी चर्चा हुई कि हमारे राशनिंग डिपार्टमेंट मुमरा कौसम में 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो PHH के लोग हैं, प्रायोरिटी ह्यूमन रिसोर्सेज के लोग हैं, जिनका मतलब बायोमेट्रिक किया हुआ राशन कार्ड है। सेकंड नंबर के सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं जिनका राशन कार्ड है मगर उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो वो NPH में कहलाते हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा था। और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी के लोग थे। मेरे ख्याल से 2-4 रोज से सारी राशनिंग की दुकानों के ऊपर जो PDS सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस PDS सिस्टम के जरिए लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है, मगर वो नाकाफी है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सरकार से ये गुहार लगाई है, सरकार से हमने ये अपील की है कि मुमरा कौसा के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ ये स्लम एरिया है, यहाँ पर BPL के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, जिसकी वजह से तकलीफ ये हो रही है कि लोगों के घर में अनाज नहीं है, कहीं कम्युनिटी किचन वगैरह कहीं हल्का फुल्के चालू हैं, तो कुछ लोग अपने अपने तौर के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, अनाज खाना पका हुआ खाना पकाने की कोशिश करें और पहुँचाने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर भी हमारी उनके ऊपर चर्चा हुई। तीसरी चर्चा हमारी उनके ऊपर हुई कि भाई मुमरा कौसा में तकरीबन 7 या 8 जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइम हॉस्पिटल हो, चाहे वो रहमानिया हॉस्पिटल हो, चाहे वो कालचक्कर हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिलाल हॉस्पिटल हो, चाहे वो बुरानी हॉस्पिटल हो, ऐसे साई मुमरा हॉस्पिटल हो, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो कम्प्लीटली इस लॉकडाउन के अंदर बंद हो चुके हैं। जिसकी वजह से हुआ ये है कि हमारे जो डायलिसिस पेशेंट है वो सबसे ज्यादा बाधित हुए हैं। इसके ऊपर लोकल पेशेंट्स जो फीवर के अंदर आते हैं, एपिडेमिक के अंदर आते हैं या वायरल फीवर्स के अंदर आते हैं, उनका कहीं पर भी OPD नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही। हमने उनसे कहा कि इन सारे हॉस्पिटल्स के जो इंचार्ज हैं उनको बुला करके एक जॉइंट मीटिंग की जाए और उनको ये कहा जाए कि वो अपने हॉस्पिटल्स को वापस से चालू रखें, और चालू रखने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ में उनका OPD जितने भी सारे OPD चालू होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आ नहीं रहे डर के मारे। तो उन डॉक्टरों के ऊपर अगर जो नहीं आते हैं, जो आपके फरमान को नहीं सुनते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर जो लोग सुन रहे हैं सही वक्त नहीं दे रहे, तो उनको सही से बुला करके ताकीद करके उनको एक सही वक्त पे OPD चालू कर दिया जाए। क्योंकि हो रहा क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो डिस्पेंसरीज थे वो सारे बंद हो चुके हैं, कोई भी डॉक्टर अभी हाथ लगाने को तैयार नहीं है पेशेंट को, तो कम से कम हमारे ये हॉस्पिटल का चालू रहेंगे। तो इसकी वजह से ये होगा कि हमारे जो पेशेंट है, जो ऑर्थो पेशेंट है, किसी को हड्डी का प्रॉब्लम है, पेडियाट्रिक पेशेंट है, बच्चों को की तबीयत खराब है, हमारे डायलिसिस पेशेंट है जिनको डायलिसिस करना पड़ता है, इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट है, निमोनिया के पेशेंट है, मलेरिया के पेशेंट है, डेंगू के पेशेंट्स हैं, टाइफाइड के पेशेंट्स हैं। अब ये पेशेंट्स जाएंगे कहाँ बेचारे? तो हो रहा यह था कि इन लोगों को हम लोग या तो शिवाजी हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था, थाना के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना पड़ रहा था, हमारे पास एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं थी। तो हमने उनसे ये भी गुहार लगाई है कि ठीक है, हमारे पास एक वेंटिलेटर, एक हमारा वेंटी वाला अपना कार्डियक एम्बुलेंस हमारे को मिल गया है फरीद नूरी साहब की तरफ से, जो बहुत काफ़ी हमारे लिए और बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, और इसके लिए मैं फरीद नूरी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर उसके साथ में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लोकल एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है और एम्बुलेंस मुहैया नहीं होता है। तो हमने उनसे कहा है कि मुमरा कौसा में 3 से 4 जगह पर कम से कम आपकी एम्बुलेंस की तैयारी होनी चाहिए, ताकि लोग अपने जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो औरतें हैं जो हॉस्पिटल जाना चाहती है, वो बराबर से जाएं। एक चीज़ आपको मैं और बोल दूं बड़ी चीज़, कि शिवाजी हॉस्पिटल में हम लोग जितने भी हमारे जो प्रेगनेंसी केसेस थे, जो लेबर पेन्स हो जाता है और लोगों को सीजरिंग करनी पड़ती है, पेशेंट्स को डिलीवरी करनी पड़ती है, उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ हमको हो रही है, क्योंकि शिवाजी हॉस्पिटल अकेले पूरा बेड़ा नहीं उठा पा रहा है। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई प्रेगनेंसी केसेस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। राजू भाई, सबसे बड़ी बात, जिन डॉक्टरों ने, जो स्पेशलिस्ट है, फिजिशियंस है, सर्जन्स है, ऐसे अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर सालों साल मुमरा से करोड़ों लाखों रुपए कमाते रहे, और आज कोविड 19 छोड़ करके जैसे आपने कई बीमारियां गिनाई, ऐसे पेशेंट्स के लिए उनकी यहाँ जरूरत है, लेकिन उन्होंने मुमरा से मुंह मोड़ लिया। आने वाले दिनों में एक जनप्रतिनिधि लोगों के नुमाइंदों के तौर पर आप तमाम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों को लेकर के? नहीं, अगर ऐसा इस तरीके से अगर जो लोग अपनी जिम्मेदारी से परे हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते हैं, हम तो सबसे पहले तो हमने कानून से कहा है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो हम उनको सोशल बैकआउट करने की कोशिश करेंगे। जफर नोमानी साहब, कलेक्टर राजेश नार्वेकर के पास आप गए थे, क्या मुद्दे लेकर गए थे, किस तरह की बातचीत हुई, और अब मुमरा कौसा के लोगों को, तमाम जिले के लोगों को क्या राहत मिलने वाली है? एक्चुअली रफीक भाई, मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम जो हम तक आ रहे थे, हमारे तक जो आ रहे थे, उसके लिए हमने सोचा कि हम जाकर के कलेक्टर साहब से लाइव बात करें, और हमने लेटर बनाया। हमने तकरीबन हमारे लेटर में 10 पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए, जैसे सबसे पहला राशन का जो मसला था, जिस दिन नसीमबाग की गली में शादी महल हॉल के पास जिस दिन राशन की गाड़ी आई, नसीमबाग रोड लॉक था, हमने उसको खुलवा करके राशन को उतरवाया, और राशन उतरवाने के बाद हमने उसको पूछा कि राशन कैसे तकसीम करेंगे आप,
तो उन्होंने बताया था कि जिनका कार्ड ऑनलाइन है और जिनका नाम ऑनलाइन है उनको हम राशन देंगे। फिर हमने उनसे पूछा कि आप जिनका नाम, जिनके पास राशन कार्ड है उनका नाम नहीं ऑनलाइन है और राशन कार्ड ऑनलाइन है उनको क्या करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अभी उसका कोई नया GR नहीं आया, लेकिन अभी कलेक्टर साहब से बात होने के बाद ये बात सामने आई है कि इंशाल्लाह 1 मई से जिनके पास राशन कार्ड है उनको 12 रुपया किलो चावल और 8 रुपये किलो गेहूं मिलेगा। ये एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि सर हमारे शहर में एक एम्बुलेंस नहीं है। मैं फरीद नूरी साहब का जितना एहसान मानूं पूरे शहर की तरफ से बहुत दुआएं दूंगा कि उन्होंने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई, नहीं तो शहर के ये हालात थे कि मुमला स्टेशन पे एक बच्चा गिर गया, उसको दरबारी करके जो पत्रकार साहब है उन्होंने अपने बाइक पर बिठा करके लेके गया। हमने उनसे ये मांग की है कि आप 2 एम्बुलेंस कम से कम 2 और एम्बुलेंस का इंतजाम करें। तीसरी बात कि रोज जो सुबह उठ करके हम रोज देखते हैं, रोज एक नया GR आ जाता है कि मार्केट का टाइम 7 से 11, फिर कभी आ जाता है कि 12 से 4, फिर कभी आ जाता है कि 6 से 5। अभी सबसे बड़ी बात हमने नार्वेकर साहब से ये कही है कि सर अभी रमजान आ रहा है और रमजान हमारा बहुत मुकद्दस महीना है, हम चाहते हैं कि उसमें सुबह में लोग 3 बजे सुबह में उठ जाते हैं, उठने के बाद उनको सारी शहरी की जरूरत होती है, सामान होती है, तो हमने उनको टाइमिंग बोला है 3 बजे सुबह, 3 बजे से और 7 बजे तक सुबह में, और शाम को हमको क्योंकि अफ्तार की जरूरत पड़ती है सारी चीजों, 4 से 7 बजे तक ये एक चीज करके लिया जाए। फिर हमने एक बात ये कही कि सर सारे हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल है जो बाहर के डॉक्टर आकर के यहाँ पर साल भर लूटते थे लोगों को, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो पेट के डॉक्टर हो, दांत के डॉक्टर हो, आंख के डॉक्टर हो, ये तमाम डॉक्टर अभी शहर से गायब है। अभी जब ये मुसीबत खत्म हो जाएगी फिर ये शहर में आ जाएंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो लोकल प्रैक्टिशियन है वो डॉक्टर भी, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग अपनी क्लिनिक को ना बंद करें, हमने उनसे बात की है, नहीं तो सर इसका रिएक्शन, ये कोरोना बीमारी जो है ये टल जाएगी लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होने वाला है। तीसरी बात हमने ये कही है कि सर हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर का भी टाइमिंग आप लोगों ने कोई रखा नहीं है, मेडिकल स्टोर को 24 घंटा का मतलब टाइमिंग दिया जाए, ये एक हमने उनसे बात रखी है। और सबसे अहम बात हमने ये कही है कि अभी जो स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलने के बाद जो डोनेशन के नाम पर या बिल्डिंग फंड के नाम पर जो पैसे जमा किए जा रहे हैं या जो टर्म फीस ये भी, उसको माफ किया जाए। फिर हमने एक चीज और नार्वेकर साहब से कही कि 3 महीने का कम से कम लाइट का बिल माफ किया जाए। इस तरीके के हमने 10 पॉइंट दिए हैं, वो लेटर हमने नार्वेकर साहब को दिया है और उसी बेस पर हमने उनसे बात की और उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया है कि इंशाल्लाह हम इस पर जरूर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम आपको उसका मैसेज जरूर देंगे। अच्छा, ये जफर भाई शहर में पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से सबसे बड़ा मसला चल रहा है, जब से टोरेंट आई है कई इलाकों में 2-2 दिन 12-12 घंटा 16-16 घंटा लाइट नहीं रह रही है। अब लॉकडाउन और कर्फ्यू में लोग अंधेरे या गर्मी में घरों में तो बैठ नहीं सकते, मजबूरन उनको बाहर पड़ना आना पड़ रहा है और पुलिस के डंडे का शिकार होना पड़ रहा है, तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको रफीक भाई बता दूं और टोरेंट कंपनी के अधिकारी भी आपके माध्यम से सुन ले कि कोरोना ये जो वबा है ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है, ये टल जाएगी, लेकिन जो तुम परेशान कर रहे हो 2.5-2.5 घंटा और 3-3 घंटे के बाद यहाँ आ रहे हो ना, इंशाल्लाह मैं बड़ी आनकोलीवाड़ा में 48 घंटे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऑकलैंड में पहुंचने में 3 घंटा 4 घंटा। जब हम मैं नगर सेवक बात कर रहा हूँ, कंजूमर नंबर दीजिए, मौला सर हमारे शहर का ये चलन नहीं है, हमारे शहर में जब भी कोई लाइट जाती है तो लोग पहले नगर सेवक को फोन करते हैं, नगर सेवक अगर उनसे पूछेगा कि आप हमको कंज्यूमर नंबर दीजिए तो हमको 100 गाली देंगे, और आप लोग 2.5-2.5 घंटे के बाद आते हैं। टोरेंट कंपनी गौर से सुन ले, ये जिस दिन वबा खत्म हुई शहर से, सबसे पहला आंदोलन टोरेंट कंपनी के खिलाफ होगा और सख्त आंदोलन होगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़ेगा चलेगा, मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ। दफर भाई, आप मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं और लोगों की जो है जानकारियां हासिल कर रहे हैं, उनसे मालूमात, लोगों से मालूमात मांग रहे, कहीं ना कहीं रुकावटें भी हो रही हैं, उसके संदर्भ में आप कुछ बताएंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि लोग घर घर जा रहे हैं, बोले चेकअप कराएं। अरे भाई, क्या चेकअप करावे, क्या फैसिलिटी है हम बताइए ना। आज प्राइवेट, आज जो भी जिसको कोरोना के टेस्टिंग करानी है उनको या तो शिवाजी हॉस्पिटल जाना पड़ता है या तो वहां पर जाना पड़ता है, आगे एक हॉस्पिटल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर ये टेस्टिंग हो रही है, 4,500 रुपया टेस्ट लिया जा रहा है। मैंने नार्वेकर साहब से कहा कि जो 4,500 रुपया टेस्टिंग किया जा रहा है,
उनको बोलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में करें, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार माननीय उद्धव ठाकरे साहब जो इतने बेहतरीन सीएम है, इतना बेहतरीन बेहतरीन उन्होंने डिसीजन लिया है, उन्होंने बार बार कहा है कि ये सारे टेस्ट फ्री किया जाए, और आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 4,500 रुपये वसूली कर रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटलों का आप नाम दीजिए और सेंटर कायम करिए, ताकि गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है जिसको कोरोना हो गया उसकी पूरी फैमिली परेशान है, वो बताइए कि कैसे वो पैसा पे करेगी। और मैंने एक चीज और कहा है, जिस फैमिली को कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हो, उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, ये मैंने लेटर में डाला है।